नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ इंपोर्टेंस ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस इन स्टोरेज स्टोरेज के अंदर सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग एजाडियस केमिकल जब आप कर रहे हैं उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सिस सब्जेक्ट कोड वन सेफ्टी इंजीनियरिंग वन उसका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहता है वॉट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस इन स्टोरेज हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग हेजाड़ियस केमिकल यानी कि सेपरेशन डिस्टेंस हमें कितना रखना है कितना जरूरी है जो आप अलग अलग स्टोरेज केमिकल कर रहे हैं या हैंडलिंग कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो हेजाड़ियस केमिकल है उसका डिस्टेंस जो है वो सेपरेट कितना रखना है वो उसी के बारे में हमें जवाब देना रहता है इन in इंडस्ट्रीज़ सेपरेशन डिस्टेंस इज सेफ्टी डिस्टेंस टू बी मेंटेन टू मिनिमाइज़ द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द इमीडिएट नेबियरहुड एज वेल एज डिस्टेंस प्लेसिस यानी कि जहाँ पे आपने स्टोरेज किया है या आप एजरियस केमिकल प्रोसेसिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो सेपरेशन डिस्टेंस जो है उसको मैंटेन करना है और उसका जो एडवर्स इंपैक्ट जो है वो मिनिमाइज़ हमें करना है और आजू बाजू में जो भी प्लांट है उससे भी हमें अगर इस टाइप का है तो उसका भी डिस्टेंस जो है वो प्लेस पे हमें मेंटेन करना है सम ऑफ द नेचुरल लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम एंड सम स्पेसिफिक लैंड यूजेस आर सेंसिटिव टू इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फ्रिगिलिटी सेपरेशन डिस्टेंस आर आईदर बिटवीन टू यूनिट्स और ए सिंगल यूनिट एंड ए सोर्स ऑफ इग्निशन यानी कि अगर कुछ आपका प्लांट के अंदर दो यूनिट है या तो सिंगल यूनिट है तो वहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इग्निशन है उसका डिस्टेंस जो भी एज पर डिजाइनिंग है उसके हिसाब से हमें उसको रखना है और जो सोर्स ऑफ इग्निशन है उसको वहाँ दूरी बनाना है इट इज़ नॉर्मली बिटवीन द एडजशेंट एज इज ऑफ द यूनिट एंड नॉट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर यानी कि सेंटर टू सेंटर जो है यूनिट का उसे हमें एडजस्ट करना है नॉर्मली बिटवीन द टू यूनिट्स फैक्टर टू डिटरमाइन सेपरेशन आर लाइक ए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोजन इफेक्ट यानी कि अगर हम सेपरेशन फैक्टर की बात करें उसको डिटरमाइन करें तो एक्लोजन इफेक्ट जो है वो दो यूनिट है तो उसके लिए हमें जो डिस्टेंस मेंटेन करना है सेपरेशन डिस्टेंस उसको इस टाइप का एक्लोजन इफेक्ट ना हो इसीलिए जो उसका डिस्टेंस डिज़ाइन के अंदर दिया है उसके हिसाब से हमें उसको रखना है सेकंड वन की बात करें तो रेडिएंट हीट फ्रॉम ए बर्निंग मटेरियल यानी कि अगर कुछ मटेरियल ऐसा है जो बर्न हो सकता है हेड की वजह से तो उसको वहां से दूरी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है थर्ड वन की बात करें तो इग्निशन ऑफ ए वेपर एस्केप फोर्थ वन की बात करें तो हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक गैस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस अवेलेबिलिटी क्वान्टिफाइड रिस्क एसेसमेंट यानी कि क्यू आर ए बी कैरिड आउट टू एसेस सेपरेशन डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिक्स डिस्टेंस क्राइटेरिया मैं अंडर एफ एर जी एफ आर यानी कि एफ ए बोले तो फैक्ट्री एक्ट एंड जी एफ आर बोले तो गुजरात फैक्ट्री रूल्स अनदर एप्रोच इज टू कैलकुलेट देंज बाई यूजिंग फॉर्मूला फॉर गैस डे डिस्पर्जन और फायर और एक्सप्लोजन इफेक्ट एंड डिसाइड ए सेपरेशन डिस्टेंस यानी कि आपका कौन सा टाइप का प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला के हिसाब से फैक्ट्री एक्ट को आपको काउंट करना है गुजरात फैक्ट्री रूल्स है उसको भी काउंट करना है उसका फॉर्मूला के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है कि हज़ारियस रेंज के अंदर कितना डिस्टेंस हमें मेंशन करना है गैस डिस्पर्सन कहाँ कहाँ तक हो सकता है फायर और एक्सप्लोजन होता है तो उसका इफेक्ट कहाँ तक हो सकता है इसके हिसाब से आपको सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो डिसाइड करना रहता है थैंक यू दोस्तों